Γεια σου, Υπουργέ Βάσακη. Αμάνε Καγάρι, Αμνάς Πανίζη, Πρεδίσκο Ουγκές και Αντέρ, Δευτή ΣΥΕΜ ΣΑΒ, Σελίν Παλίρδη, Αμάνε Σετσίλ, Προβάρι, Λουίς Μαντζέρ ΣΑΒ, Για οπαστήτε, Προβάρι, Jodhpur, Rajya Kadari and Kashi Mantri, Amare Hari Sati, Sandi Dharival Ji, Hari Chaudhary Ji, Sukram Ji Vishnoi, Campaign Committee Chairman, Amare Chikita Mantri, Raghu Sharma Ji, Amare Sati Mantri, Pratap Singh Khajarwal Ji, Salim Mohammad Ji, Ashok Chandma Ji, Bhavarsini Bhati Sahib, Mandir Chaudhary Ji, Chaitinder Bhardwaj Ji, Pukra Parashar Ji, Hiraram Ji Medwal, Shahid Ansari Ji, Srimati Manisha Pawar Ji, Sri Divya Madarma Ji, Srimati Meena Kanwar Ji, Vidhayak Shergar, Mahendra Vishnoi Ji, Vidhayak Loni, Krishnanami Vishnoi, Vidhayak Lohawar, Jagdish Jange Ji, Vidhayak Sadhur Sir, Sabin Khan Sahib, Vidhayak Jaipur, Tulparam Ji Nandher, Vidhayak Jaisalmer, Sam Lora Sahib, Vidhayak Shiroi, राजेंद्र पारी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रवान जी, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह जी, अस्करी टाक साहब, आदरणीय श्रीमती चंदेश कुमारी जी, रंजीत धनकर जी, धर्मेंद्र राठौर जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सुनील परियार जी, हमारे महापौर धर्मेश्वर दादी जी, ओम जोशी जी, जितपाल मिर्जा जी और कांग्रेस के हमारे पार्टी के प्रत्याशी बदीराम ठाकर साहब, कॉफी अयूब खान साहब, महेश गैस जी, जीपू खान जी, सुपाल भंडारी जी, वही संगीता बेनीवाल, हरिंदर सिंह राठौर, हरीश जोशी, विक्रम सिंह अंदा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश परियार जी, अध्यक्ष एमेश्वरी, सुनील चौधरी जी, छात्र संघ के अध्यक्ष अजय त्रिवेदी जी, सुभाष खान साहब, विजय पूर्णिया जी, महिला पूर्व मंत्री अन्ना साहब, श्रीमती सुनीता गहलोत, उदय सिंह जी राठौर, जतन देवासी और भी कई साथी बैठे हुए हैं। बहुत लंबी लिस्ट हो गई पर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे पूर्व ने बातें कही है उनको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे राजस्थान भर के नेता भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, जोधपुर और तमाम जिलों से जो लोग आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जो आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह रेलो गरोद के साथ रहा है, बना हुआ है। इस कारण से भी आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं और मुझे याद है कि वैभव गहलोत पिछले 15 साल से जहां जहां उनको बुलाया गया राजस्थान के किसी कोने में कैंपेन करने के लिए तो वहां गए और उसकी झलक आज आपको स्टेज पर मिल भी रही है। कई लोग इसलिए भी आए हैं तो वो उनके कैंपेन में गए होंगे। तो मुझे खुशी है कि जो 40 साल पहले जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे आपने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, विश्वास व्यक्त किया, उसके कारण से एक लंबा सफर तय करते करते आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। ये कहने के लिए शांति, अरे शांति शांति, आज वैभव गहलोत को कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने आप सबकी भावनाओं को जान करके जिस प्रकार से गांव से, डाणी से, आम लोगों से जो भावना आ रही थी उसका आंकलन हमारे विवेक बंसल साहब ने भी किया, पालीर साहब ने भी किया, पाणी साहब ने भी किया। उसके बाद में जिस रूप में फैसला हुआ जिसका जिक्र अभी सचिन पायलट जी ने किया, आपको सीसी की बैठक में जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वैभव गहलोत का नाम स्वीकार था। ये जो ए भाई बंद करो,
आए इनको बंद करो, हाल नहीं करें बंद कर, बंद कर दो। ये अति उत्साह है, अति उत्साह भी काम का नहीं होता। तो गौरव गहलोत को आप जानते हैं, अभी वो लगातार आपके बीच में कैंपेन कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जानकारी मिल रही है। हमारे कार्यकर्ता जिस रूप में उनको ले जा रहे हैं गांवों के अंदर भी, क्षेत्र में, मोहल्लों के अंदर, और जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे मेरे खुद के पुराने दिन याद आ गए। इसी जगह जहां बैठे हुए हैं, इसी जगह से शुरुआत की गई मेरी खुद की। आप मेरे गए लोग उस पर भी आए होंगे, और मुझे आपका आशीर्वाद मिला, मैं कामयाब हुआ। 38 साल तो मुरी हो गए एमपी बनी हो गए, और जिस प्रकार से लगातार आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास मेरे साथ कायम रहा, और वही कारण रहा है हाईकमांड मेरा फैसला करती है कि जिस क्षेत्र का नुमाइंदा है, एमएलए है, एमपी है, वहां की जनता क्या चाहती है। मुझे खुशी है कि आजादी के बाद पहला एमपी मैं था जोधपुर से, जिसको मंत्री बनाया गया इंदिरा गांधी जी के साथ। वो दिन आज दिन लगातार मैं जिस रूप में मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला, इंदिरा जी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिंह राव जी के साथ में, जिस प्रकार से मुझे 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला, 2 बार मैं एनसीपी का महामंत्री रहा, और 3री बार मैं राजस्थान के प्रथम सेवक मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। जब अगर आप लोग जोधपुरवासी अगर मुझे कामयाब नहीं करती, बार बार 5 बार एमपी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे इतने जगह काम करने का अवसर नहीं मिलती। इसलिए जहां कहीं मैं बात करता हूं, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, तो मैं हमेशा याद करता हूं जोधपुरवासियों को, जोधपुर में मत करता हूं, और वह मेरी बहुत बड़ी ताकत है जो आपने मुझे दे रखी है। और मैंने भी, आपको मालूम है कि चुनाव जीतते ही घंटागढ़ के मैदान में रात को 2 बजे परसा मरियाणा जी, केसी राठौर साहब, राम सिंह जी बिश्नोई, नरपत राम जी बरवड़, रंजीत सिंह जी, रामनारायण डूडी साहब, मान सिंह देवड़ा साहब, सबकी मौजूदगी मैंने कहा था चुनाव जीतने के बाद में रात को, क्या आप निश्चिंत रहो, मैंने 3 वादे किए थे, आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथी बनूंगा, और जोधपुर के विकास में कमी नहीं आने दूंगा। और मैंने भी कहा था अगर मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा पूरे देश के अंदर जिससे कि जोधपुर वासियों को नीचा देखना पड़े मेरी तरफ, और मैंने भी कहा था अगर मैं ऐसा काम करूं तो मैं आपको अधिकार दे दूंगा, आप मेरा कान पकड़ लेना। जब मैं 28 साल का था, 29 साल का था, जब पहली बार एमपी बना, तब मैंने 3 बातें घंटागढ़ के मैदान में कही थी, और उनको मैंने हमेशा हमारे अपने सामने रखा। मुझे एक नेता ने कहा दूसरे दिन दिल्ली जाते हुए रास्ते में, आपने कल क्या कह दिया, ऐसे बहन दिए जाते हैं क्या, बिना पैसे के पॉलिटिक्स नहीं होती है। तो मैंने ही कहा, मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली जाके हो सकता है मेरी नींद खराब हो जाए, तो कम से कम मैंने आम पब्लिक में कह दिया है कि अगर मैं कोई गलती कर बैठूं देश के अंदर, नाम नीचा आपका हो जाए, तो आप मेरा कान पकड़ लेना। अगर मैं गलती करने की मंशा मेरे दिल में पैदा हो तो मैं घंटा करके मेरे उस बात को रियाज करूंगा, मैंने जनता का क्या वादा किया, और उसी रूप में मैं
उन बादल बच जाऊं जो मैं गलत काम करने जा रहा हूं। और हमेशा मैंने चिंता रखी मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में, या मैं कोई पद पे रहा है, कि हर काम में वो करूं जिससे कि परिवार का, समाज का, जोधपुर के मतदाताओं का मान सम्मान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बढ़े, घटे नहीं। उस रूप में मैंने हर कलम चलाई मेरी। और मुझे खुशी है कि जोधपुर के अंदर में गांव गांव में घूमता था, फलोदी हो, भाप हो, ओशिया हो, गोपालगढ़ हो, लूनी हो, छेगढ़, उस वक्त में जोधपुर में आता नहीं था। तो मैं जहां गांव गांव में, अकाल में, सूखे में घूमता रहता था। जोधपुर के अंदर भी शहर में जो क्षेत्र थे उसमें कोई कमी नहीं रखी, चाहे यूआईटी थी पहले, चाहे बाद में जेडीए बन गए, नगर निगम बन गए, सामुदायिक भवन हो या कोई विकास काम हो। मैं समझता हूँ मानसिंह देवड़ा जी से तब भी, राजेंद्र सोनकी से तब भी, रामेश दादी जी थे तब भी, कोशिश करी जो मांग मोहल्ले वाले कर रहे हैं, समाज वाले कर रहे हैं, उन मांगों को पूरा करें। और उसी रूप में मैंने हमेशा कलम चलाई राजस्थान के लिए। मुझे अनुभव काम आया अकाल सूखे का, जो गांव में घूमता था, भयंकर काल पड़ते थे। अब तो सोने गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नरेगा लेके आ गए। नरेगा नहीं था तब, जैसे ही मानसून धोखा देता, चिंता की लकीरें आती थी सिर पे, काम कब खुलेंगे, काम मांगना पड़ता था, मजदूरी कब मिलती तो शिकायत होती थी, चारा कहाँ से आएगा गायों के लिए, पीने का पानी खुद के लिए भी और डांडों के लिए कहाँ से आएगा, ये चिंता सताती थी लोगों को। भला सोनिया गांधी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ना सिंह जी का, जिन्होंने नरेगा 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी आपको कि 100 दिन काम मिलेगा, कल पड़ो या नहीं पड़ो। अब तो राहुल गांधी जी ने उसको 150 दिन का वादा कर दिया जनता से। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, गांव गांव में जो समस्याएं थी आपकी, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, वो मैंने इतना अध्ययन किया 5 साल एमपी रहा तब के दौर में, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे अनुभव जोधपुर की जनता का शिकायत का काम आया कलम चलाने के लिए। तो इसीलिए 4 अकाल पड़ गए, 4 अकाल पड़ गए। अरे भाई कौन बदतमीज आदमी है, क्या कि तुम कार्यकर्ता हो, 4 बार अकाल पड़े, 4 अकाल लगातार पड़ गए। आपको याद होगा वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर, मैंने किस प्रकार से गेहूं ले लेके आया वहां से, घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, काम के बने अनाज, घर में जगह नहीं थी रखने की, बोरिया गेहूं कितना गेहूं इकट्ठा हो गया कई जगह, तू खुद के निजी काम कर लो, निजी कुआ, निजी मकान, निजी कुंड कुछ बनाओ, मोहल्ले वाले आपन मजदूरी करें, एक दूसरे के सेव करें। वसुंधरी कहती थी उस वक्त में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भीख का कर लो लेके घूम रहा दिल्ली की सड़कों में गेहूं मांगता हूं। मैंने कहा वसुंधरा जी अगर मैं भूख मिटा सकूं जनता की तो मुझे घर होगा भीख मांगते हुए। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे लोग, इतना भयंकर काल पड़ गया है। मैंने कहा ये ऐसा शब्द मत निकालो मुंह से, मेरे मुख्यमंत्री काल में मैंने गेहूं गांव गांव में रखवा दिए बोरियां, सरकारी कर्मचारियों को बबल कर दिया कि कोई संकोच में गेहूं नहीं मांगे, गेहूं पहुंचा दो घर में। मैं एक आदमी को भूखा मरने की बात छोड़ो, भूखा नहीं सुने दूंगा मैं राजस्थान का। ये स्थिति थी और करके दिखाया। आज भी पूरा देश उसके प्रबंधन को याद करता, जो मेरा प्रबंधन था उस वक्त में। दूसरी बात सरकार बनी, पेंशन की योजना हो, 500 रुपये 750 रुपये दे दिए, अभी हमने बढ़ा दिए 500 750 1,500 कर दिए। किसानों का अलग पेंशन स्वीकृत कर दिए, जो किसान है 11 लाख वो भी पेंशन की हकदार बन जाएगी। वो नया फैसला हमने अभी किया नहीं सरकार बनने के बाद। दवाइयां फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए, डायलिसिस हो, खून की जांचें हो, सोनोग्राफी हो, सब फ्री कर दिए। सीनियर लोगों के लिए जयपुर में ऐसे में तो
एमआरआई और सीटी स्कैन भी फ्री है, बीपीएल के लिए फ्री है। इस प्रकार ने किया, इस पर सरकार बनी हमारी 3 महीने पहले, हमने कहा है 600 दवाएं पहले फ्री थी, अब क्योंकि किडनी की बीमारी में बहुत महंगी दवाएं होती है, हार्ट की बीमारी में बहुत महंगी होती है, कैंसर हो जाए तो बहुत महंगी दवाएं होती है, तीनों दवाएं मैंने फ्री करने की घोषणा कर दी है राजस्थान में। पानी के लिए कहा मैंने, इस बार पानी का कलेक्शन में पहला खर्च करते बिना मतलब का, पानी तो कम से कम जीवन की आवश्यकता है। अब हमने पानी के बिल है वो समाप्त कर दिए, कोई बिल नहीं आएगा गांव के अंदर तो नहीं आएगा, और शहरों में आएगा तो बहुत मामूली आएगा, उसको भी हम देखेंगे चुनाव के बाद में परीक्षण करवाएंगे। 30 रुपये बिल आएगा, पहले 100 रुपये आता था, अब 30 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमने बड़े फैसले किए। अभी हमने कहा नौजवानों के लिए कोई अपनी उद्योग लगाएगा छोटा मोटा, 3 साल तक सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम अपना भी करेगा जिससे कि रोजगार बढ़ सके। 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूं गरीबों को मिलेगा, 1,60,00,000 लोगों को वो शुरू कर दिया। बेरोजगारी भत्ता अलग हमने दिया है, तो कई 25 फैसले मैंने किए। 5 साल तक घरे नहीं बढ़ेगी बिजली की, 1,00,000 कनेक्शन कृषि के काम चालू कर दिया है, आधे कनेक्शन हो चुके हैं। इस प्रकार से कर्जा माफ किया सिटी बैंकों का, भूमि विकास बैंकों का, जमीनें रहन रखी हुई है तो छूट जाएगी, छूट गई होगी। एक से बढ़कर एक फैसले हमने लगातार किए जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपको, कोई योजना वसुंधरा राजे की चल रही होगी तो बंद नहीं करेंगे योजनाओं, ये हमारी फितरत में नहीं, सोच में नहीं है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, शेखावत साहब चुनाव हार गए थे, उनके वक्त भी कोई योजना मैंने बंद नहीं करी। फिर वसुंधरा चुनाव हार गई, हमने योजना बंद नहीं करी, और वसुंधरा जी ने चुन चुन करके बदला लिया, हमेशा पहले भी लिया अब भी लिया। सरकार बदलते ही हमारी योजनाओं को बंद कर देती है, उपेक्षा करती है इलाकों की। पूछो उनको स्मार्ट सिटी क्या हो, 200 स्मार्ट सिटी के संरक्षण हुआ, राजस्थान के सब बड़े शहर संरक्षण हो गए, दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। अभी वेबर गर्ल्स कह रहे थे आपको, क्या उसमें भेदभाव, स्मार्ट सिटी जोधपुर को चयन करने में तकलीफ क्यों आई राजस्थान सरकार को, मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच से वसुंधरा जी को, कोई कारण है? हमारे फ्रिज बनने थे उनको रोक दिया, ये तो बना रहा इंजीनियर का, ये रखे बैठने का जो आपका फ्रिज बना शानदार, उनको रोक रहे थे, तो जाके इंजीनियर ने जाके फोटो दिखाई कि साहब पीले खड़े हो गए हैं, अब इसको रोकेंगे जैसे हम लोग, तब जाके ये पुल पूरा हो, वो पूरा नहीं होता, आप सोच सकते हो क्या सोचते हो। इस प्रकार की सोच के साथ में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने शासन किया, बदले की भावना से। राजेंद्र सोनी को जेल भिजवा दिया, जुगल कामरा को जेल भिजवा दिया, जयपुर में अजय चोपड़ा है, एक चंदू साहब थे हमारे सेक्रेटरी यूडीएस के धारीवाल साहब बानू में, धारीवाल साहब ने खुद पे मुकदमा दायर कर दिया। अब आप बताओ, बड़े शर्म की बात है, आप इस प्रकार सरकारें बदलती है, हुक्म हाकम बदलता हुक्म नहीं बदलता है, ये पुरानी कहावत है, आप सरकार बदलते आप बदला ले रही हो। एक मंत्री के खिलाफ में आपने केस दर्ज करवा दिया, ये तो कांग्रेस जनों की यही जुड़ता थी राजस्थान के अंदर, उसके भय के कारण से वो कुछ कर नहीं पाए, आप समझ सकते हो। आज मोदी जी दिल्ली में ही कर रहे हैं, इनकम टैक्स छापे पड़ रहे हैं, पूरे कांग्रेस के नेता जो देश भर में हैं उनके छापे पड़ने का थे, बीजेपी नेता तो दूध के धुले हुए हैं, बड़े बड़े कड़ाव लगाए होंगे अमित शाह जी ने, दूध के भर भर के कड़ाव लगाए होंगे, उसमें डुबाया होगा बीजेपी नेताओं को, जलाया होगा, फिर बाहर निकला होगा ये दूध के धुले हुए लोग हैं। बताइए कानून कानून का क्यों आप जगह बना, कानून का राज लेने दो मोदी जी, ये नौबत क्यों आई? अब आप बताओ, एक प्रधानमंत्री के बारे में ये नारा लगे, ये नारा लगने की नौबत क्यों आई?
राहुल गांधी पूछे रफाल का 526 करोड़ का लड़ाकू विमान सरकार बदलते ही 1660 करोड़ का हो गया। 526 करोड़ का विमान जो ठेका टेंडर करके डेट तय हुई, दो कंपनी आई, रफेल अच्छा विमान है, तय किया इसको लेना है, 526 करोड़ इसकी कीमत थी। क्या कारण है? सरकार बदल गई, वो ठेका कैंसिल भी नहीं हुआ, नया ठेका भी नहीं हुआ और कीमत बदल गई। मोदी जी खुद गए फ्रांस में, राष्ट्रपति से मिले और 126 प्लेन खरीदे थे, 126 लड़ाकू विमानों में जरूरत थी देश को, उसी बजाय सिर्फ 36 विमानों का सौदा किया, 526 करोड़ का प्लेन 1660 करोड़ में कर दिया। आप बताइए क्या ये विपक्ष को पूछने का हक नहीं मोदी जी को, ये क्यों किया आपने? आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग, आज जो आप कह रहे हो चौकीदार चोर है, ये कह रहे नौबत क्यों आई है, क्यों नौबत आई है? इसलिए देश बहुत खतरे में है, शांति शांति। अरे भाई शांति, आप बताइए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं किस प्रकार बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार लटके झटके करते हैं वो बोलते हुए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं इतना उनको बहुमत मिला पिछली चुनाव के अंदर, हालांकि आपको याद होगा वोट खाली उनको 100 में से 31 मिले हैं, खाली 100 में से 31 वोट मिले हैं मोदी जी को पिछले चुनाव में, जब सरकार की बनी 69 वोट उनके खिलाफ पड़े हैं तब भी वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको अहम घमंड किस बात का है? अगर 100 में से 31 वोट पे वो प्रधानमंत्री बने हैं, 69 वोट खिलाफ पड़े हैं, तो आपको विपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए था आपको, आपने उनकी परवाह नहीं करी। आप असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? प्रधानमंत्री कभी झूठ बोल नहीं सकता, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनकी बात लाखों करोड़ लोगों को दिल को छूने वाली होनी चाहिए। हाँ प्रधानमंत्री अच्छी बात बोले, चाहे वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता। आप बताइए प्रधानमंत्री जी का व्यवहार जो है वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में है देश के, क्या अच्छी परंपरा है? प्रधानमंत्री के मुंह से कभी निकला कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 1 करोड़ शरणार्थी आए हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, पूरी पाकिस्तान थे उस वक्त जो पूरी पाकिस्तान था, अब तो बन गया बांग्लादेश बन गया, 1 करोड़ शरणार्थी आए थे। मैं भी गया था 15 दिन वहां बॉर्डर पर बंगाल के अंदर सेवा करने के लिए, गांधी पीस फाउंडेशन हमारे भाऊ साहब थे नवीचंद जैन, गांधी पीस फाउंडेशन के मुझे भेजा वहां पर, 15 दिन तक मैंने भी सेवा करी शरणार्थियों की वहां कैंपों में रहकर के। मुझे याद है युद्ध हुआ, युद्ध जीत गया हम लोग, 90,000 उनके कर्नल जनरल मेजर सैनिक सबके हजारों के साथ में सरेंडर करवा दिया, हमारी आर्मी ने करवा दिया, दुनिया में इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ? खालिस्तान ही बनने दिया इंदिरा गांधी ने, अपनी जान दे दी, पाकिस्तान या अन्य मुल्कों के सहयोग से जो पंजाब आतंकवाद फैला था उससे पंजाब अलग करने के लिए कोशिश हो रही थी खालिस्तान के नाम से, इंदिरा गांधी ने मुकाबला किया, उनका वो शहीद हो गई, उनका सिरा छलनी कर दिया गया, आप कल्पना कर सकते हो। इस प्रकार से जान दे दी इंदिरा गांधी, क्या प्रधानमंत्री के मुंह से 5 सालों का भी निकला कि भाई हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी नेता भी हुई है जो जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करी और मुल्कों को एक रखा, अखंड रखा, कभी मुंह से निकला उनके? सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमें गर्व है, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, जान भजन में रख करके सीमा में रक्षा करते हैं, उपयोग राजनीति करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे जीतना चाहते हैं वो चुनाव, उनको पूरे देशभक्ति की बात करते हैं, जैसे हम लोग तो देशभक्त है ही नहीं, तो ये कहां की राजनीति है? राजनीति कहां की है?
ये जो स्थिति है इसको आपको हमको समझना पड़ेगा, किस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, खतरनाक राजनीति चल रही है। कोई आलोचना है सरकार की तो वो देश दुर्द हो जाता है, देश के निर्दोष लोग मारे गए लीचिंग के नाम पे, गाय के नाम पर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोग समझ नहीं पा रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवानों को भड़काया जा रहा है, उनको इतिहास के बारे में भ्रमित किया जा रहा है। मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ये राजीव गांधी का दिया हुआ है मोबाइल फोन, कंप्यूटर। क्रांति हो गई आज रेलवे टिकट कंप्यूटर से, पहले क्या हालात थे। मोबाइल फोन में दुनिया मुट्ठी में है, ये मीटिंग हो रही है, दुनिया देख सकती है अमेरिका इंग्लैंड वाले कि पावना चरण में मीटिंग हो रही है, कौन कहां बैठा हुआ है। ये क्रांति है मोबाइल फोन, ये कैसे हो गई। मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी ने 21st सेंचुरी में बात की थी जाने की, देश को ले जाने की, उस कारण से आज विज्ञान तकनीकी सब कुछ आना संभव। काम ने एक शब्द नहीं बोला किसी को, चित्र साहब ने क्या किया कांग्रेस ने, ये जुमला बोलते हैं। अरे चित्र साहब पहले तो सुई नहीं बनती थी यहां पर, बिजली क्या होती है लोगों को नहीं मालूम था, जहां बैठे हुए हैं ये जंगल की तरह था। मैं रहता था महामंदिर, मेरी मां मुझे लेके आती थी, यहां पाउडर अस्पताल था, ये आंखों में आई ड्रॉप डलवाने के लिए जाती थी, आंखें आ जाती जमाने के अंदर, मां लेके आती, दो बार हम लोग स्नान करते रस्ते के अंदर दो भाई, तब जाके आप पहुंचते थे इस पाउडर हॉस्पिटल में, यही पाउडर हॉस्पिटल जिसको मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, पहले छोटा था डिस्पेंसरी थी, ये डिस्पेंसरी थी पहले 50-60 साल पहले। आप कल्पना करो, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे जो सेल्फी ले रहा मोदी जी, ये भी कांग्रेस ने आपको सिखाया है सेल्फी लेने से। राजीव गांधी ने तो 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार दिया, पहले 21 साल का वोट का अधिकार था। राजीव गांधी ने कहा मुझे यकीन है कि 18 साल का नौजवान भी देश की तकदीर का फैसला करे। ये आपको वोट का अधिकार किसने दिया है, ये मीटिंग क्यों हो रही है, हाथ क्यों जोड़ता नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच हाथ पैरों में लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। यही तो लोकतंत्र की खासियत है, जितने आप आशीर्वाद मांगते हो तो मान सम्मान बढ़ता गरीब के गरीब आदमी का। ये कायम रखा कांग्रेस ने, देश को एक बार अखंड रखा है, किसने रखा है, कांग्रेस ने रखा है। चित्र साहब ने क्या किया, ऐसे लोग आगे सत्ता में बैठे जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन उनका नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे आपने जो चांस दिया बनाया, मैंने एक एक पल गुजारे हैं जोधपुर के विकास के लिए, एक पल गुजारे मैंने। क्या था यहां पर, एक आगरा फोर्ट गाड़ी थी, एक दिल्ली मेल थी, दो गाड़ी थी मीटर गेज की, ब्रॉडगेज लेके आए, मंडोर एक्सप्रेस आई, मर्डर आई, सूर्य नगरी एक्सप्रेस आई, अब तो 30-40 गाड़ी चलते भी बुरे नहीं मालूम कहां कहां चलती, पूरे हिंदुस्तान में हम जुड़ गए हैं, पहले जुड़े हुए थे क्या। अहमदाबाद जाओ गाड़ी भर लो, दिल्ली जाओ गाड़ी भर लो, ये स्थिति थी हमारी। जो कुछ खाली खाली नौबत आ गई थी, राजीव गांधी आए एनाउंसमेंट किया स्टेडियम में, शिवजी माधुरी मुख्यमंत्री थे, मंजन साहब थे पीएचडी मंत्री, आज इंदिरा गांधी के नाम पानी जोधपुर तक पहुंच गया, गांव तक पहुंच रहा है, किसी की कल्पना की थी। पहले रेलगाड़ी से पानी आता था यहां पर, रेलगाड़ी से पानी आता था, मड़ाई भी और तिवरी भी, बालेरा भी बचाने से इमरजेंसी योजना बनी, रंजी गांव से इमरजेंसी पानी लेके आए हम लोग। आज लबा लो भरत तक का है ना, छूटसागर गवर बन गया, बांध पूरा बन गया, टैंक बन गए पानी के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है क्योंकि पिछली सरकार ने लापरवाही करी। तीसरा फेज चालू होने वाला था इंदिरा गांधी कैनाल का, दूसरा फेज तो हमने पूरा कर दिया, परवाही नहीं करी। अब जाके मैंने कहा तीसरा फेज बना के रहेंगे, जो कुछ सर कोई तकलीफ नहीं आई पानी की, ना गांव में ना शहरों में। एम्स आ गए यहां पर, IIT किसे कहते हैं, आजादी वक्त 6 खुली थी, IIT आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर, जामनगर में अंग्रेजों का वक्त का था, उसके बाद पहला विश्वविद्यालय मैंने खुलवाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय मंडोर के आगे, FDD आ गया, निफ्ट आ गई, क्या नहीं हो, कृषि विश्वविद्यालय आ गया, पुलिस यूनिवर्सिटी कहीं खुली नहीं है गुजरात के अलावा, हमने पुलिस यूनिवर्सिटी खोली है।
जिस प्रकार से ब्रिज बने हैं, ओवरब्रिज बने हैं, अंडरब्रिज बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई है, जो तुम्हें विकास हुआ है, रिंग रोड बन रही है, ऐसी बन गई है, कोई कसर छोड़ी नहीं हमने। जहां हमारा कलम चली या जहां हमारी बात का वजन था, हमने वो काम करवाए। जो तुमको सी चनी में था, बी चनी का बदल रही, मैंने एम पी बने दिलाया था, मुझे याद उस वक्त सरकारी कर्मचारी भी मांगे थे। बातें तो बड़ी करोड़ थी कम है, क्योंकि 40 साल के अर्थ में 40 घंटे लगेंगे मुझे बोलते हुए। 40 साल आपने मुझे दिए हैं, 40 घंटे बोलूं मैं तो कम पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। आप सब जानते हो, कृपा करके इस चुनाव में हमें एक एक वोट की जरूरत है। और ये मीडिया वाले हमारे साथी खड़े हैं, बहुत दबाव में ये लोग भी हैं, पूरा जो है इनके मालिक, इनके संपादक, इनके एंकर मोदी जी का डर सता रहा, इसलिए चाहते हुए भी सच नहीं बता पा रहे हैं। सीबीआई की सभा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगी, तो ये सही नहीं बता पा रहे हैं। एक तरफा मोदी 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 बता रहे हैं, आपको बच के चलना पड़ेगा इनसे। एक रवीश कुमार है NDTV वाला, देखा आपने किसी ने? हाथ खड़े करो, कौन देखते हैं NDTV? कमाल है कि जोधपुर में सभी देखता हूँ, दे तो 500-700 हाथ खड़े हो गए। रवीश कुमार ने क्या कहा कि मैं भी एंकर हूँ। आज जिस प्रकार की जलालत हो रही है देश के अंदर, जिस प्रकार के हालात बन गए हैं, एंकर अपनी बात नहीं कह पा रहा, वो दबाव के अंदर है, सच्चाई हम कोसों दूर है। वो कह रहे देशवासियों, 2 महीने तक आप TV देखना बंद कर दो, वरना भ्रमित हो गए, वोट नहीं दे दो मोदी को। ये स्थिति आप सोच सकते हो, देश कहां जा रहा है। अरे लोकतंत्र में खुली हवा में सांस लेता आदमी, अब उसका कर सकता, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, MLA की, MP की कोई रोक नहीं सकता उसको, ये लोकतंत्र है। और मीडिया वाले कुछ प्रचार तो शौक से कर देते हैं, सचिन पायलट के अशोक गहलोत के झगड़े चलते रहते हैं। अब बताओ आप झगड़ा देखा आपने? अभी हम गाड़ी वो चला रहे थे, मैं बैठा हुआ साथ पाया उनके यहाँ पर, एक बार मैंने फंस गए वहां करौली में, वहां पे मोटरसाइकिल इन्होंने चला, एक पीछे मैं बैठा हुआ था, हमने देखा होगा फोटो, देखा नहीं देखा आपने? देखा। अभी ऐसे भी चुनाव हुए तो मैंने अविनाश पांडे जी की मौजूदगी में घोषणा करी, सचिन पायलट जी भी चुनाव लड़ेंगे असेंबली का, कितनी की मैंने घोषणा। और अभी इन्होंने बैठो करो के लिए इन्होंने बात करी, पैरी करी, तो आप बताओ कि झगड़ा किस बात का है। पर ऐसा माहौल बनाते मीडिया वाले भी और कुछ हमारे मित्र लोग भी कि दोनों में झगड़े चलते रहते हैं। ये BJP वाले RSS वाली चाल है, जानबूझ के गुमराह करो, कांग्रेस के लोगों को यहां तक भड़काओ। आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोग सब मिलकर एकजुट हैं। पिछले 20 दिनों से हमारे दौरे चल रहे हैं, जो आप यहां बैठे हुए हैं ऐसा रेस्पॉन्स सब जगह मिल रहा है। 25 मिशन लेके हम चल रहे हैं, देश को जरूरत है कांग्रेस की, दिमाग में रखो, देश को जरूरत कांग्रेस की है। इंटेलेक्चुअल लोग कहने लगे पहले ही कि कांग्रेस कमजोर नहीं होनी चाहिए, जब वो 44 आया तब भी कहा था। इसलिए मैं अब लंबी बात नहीं करता हूं आपको, मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक कल आया था संपादक की, वो मैं 3-4 मिनट पढ़ के सुनाऊंगा, उससे मालूम पड़ेगा आपको ये किस स्तर के लोग हैं। सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, नोटबंदी के बाद में इतना पैसा इकट्ठा हो गया इनका, पूरे हिंदुस्तान में अपने ऑफिसर बना रहे हैं लोग अरबों रुपए खर्च करके, चुनाव में पैसा वहां से पानी की तरह, कोई सोच नहीं सकता इनका। और कांग्रेस के नेताओं के यहां पर छापे पड़वा रहे हैं, ये आप बता दीजिए क्या स्थिति है। गंजाम तिवारी ने कहा था, जो एमरजेंसी जेल में गया 50 साल तक रहा RSS के अंदर, अभी उसने ज्वाइन की है कांग्रेस राहुल गांधी जी की मौजूदगी में, 50 साल तक जो RSS में रहा हो बचपन से ही, क्या बीती होगी उसके ऊपर कांग्रेस ज्वाइन करते हुए, आप सोच सकते हो। वो कह एमरजेंसी गया, पिता समय आ गया देश के अंदर, अमित शाह लूट रहा है बच्चों के साथ मिलकर के राजस्थान की संपत्ति को, बता दीजिए आप। ये स्थिति आज देश में बन चुकी है, इसलिए आपसे मेरी अपील है कि कहीं छोड़ना मत, वैभव गहलोत आपका अपना है, किसी का वो
बेटा होगा, किसी का पोता होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का भाई होगा। मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी हो गई है। अब मैं कहीं शादी में जाता हूँ तो शादी में जाता हूँ तो दूल्हे का बाप कहता है आज मेरी शादी में भी आया था। अरे तब मालूम पड़ा कि मैं दूल्हे के बाप की शादी में भी आया। वो कह रहा है आज मेरी शादी में आए थे, तब मालूम पड़ रहा है यार उम्र हुई दिखती है अपने भी मुझे पता नहीं पड़ रहा है। इसलिए अब जो है एक मौका पार्टी ने दिया है वैभव गहलोत को कि यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में कांग्रेस में लगातार वो काम कर रहा है और उसका नाम सवाई माधोपुर में चला। पहले मैंने उसको रोक दिया, इसको फिर इसको यूथ कांग्रेस का एयरटेक बनने के लिए कैंपेन करना चाहता था, मैंने रोका इसको। मैं मुख्यमंत्री हूं तू मेरे अध्यक्ष बन भी जाओगे, लोग कहेंगे मुख्यमंत्री बेटा इसलिए बन गया। चंद्रमाने बैठे हुए हैं, इन्होंने नाम प्रपोज किया महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए, मैंने रोका। मुगुलवासी से बात करी, मुख्यमंत्री बेटा महामंत्री बन जाएगा, अभी मुख्यमंत्री बना दिया। पिछली बार जब मैं चुनाव हार गया तो मैंने जाकर दिल्ली में कह दिया अब भली टिकट मिलता मुझे इतरा नहीं है, चाहे झालोर से चाहे सवाई माधोपुर से। कुछ कन्फ्यूजन हो गया, पायलट साहब उसके अध्यक्ष थे और वो उस वक्त में टिकट नहीं मिल पाया। मैं खुद अपराध बोध से ग्रसित था कि ये क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं खुद राजनीति कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहा हूँ, अगर वहाँ की जनता या कार्यकर्ता मुझे याद करते हैं, मुझे कहते हैं, तो मेरे फादर अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो रोकने वाले कौन होते हैं। तो मैंने पिछली बार 5 साल पहले मुझे इतराज नहीं होगा ये मैंने कहा था। इस बार 3-4 जगह नाम आ रहे थे, सबकी राय बनी कि नहीं जोधपुर से ही ठीक रहेगा राजनीतिक दृष्टि से, और जोधपुर के आप लोगों की जो इच्छा थी जो नाम अपना चला आपने, हमने नहीं चलाया नाम, अपना नाम चला इस रूप में चला गांव गांव में, तमाम आपके जीते हुए प्रतिनिधि आए, हरे प्रतिनिधि आए, बाकी लोग आए, जो मिलने आया सबने कहा था नहीं आप जोधपुर से जोड़ टिकट इनको दिलाओ टिकट इनको। वो कहानी आपने सुन ली कि दिल्ली में जब फैसले होते हैं तो फैसले में चाहे विवेक बंसल हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, पांडे जी हो, इन्होंने अपनी बात रखी, पायलट जी ने अपनी बात कही और टिकट मंजूर हो गया। मंजूर हो गया, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप जो वैभव गहलोत ने आपको वादे किए, आपसे मुझे उम्मीद है कि वो वादे किए हैं जो बातें मैं इतनी बोली है आपके सामने, मेरी खुद की हिस्ट्री बताई है, वैभव गहलोत भी सुन रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ उससे भी वो तमाम जो मेरी भावना है राजनीति करने की सेवा भाव के, सेवा ही अपना धर्म है, छत्ती जी को हम भी सेवा करो, गरीब की सेवा करो, विकास की बात करो, उससे पूरी राजनीति हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ वो नौजवान भी उसी रूप में काम करेगा आपका आशीर्वाद के साथ में। मैं एक आपको दो पेज छोड़ के सुनाता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस बड़ा मना अखबार है, उसके क्रिस्टोफे जफर लोड कोई लेखक है उनके टारगेटिंग फैक्ट लिखा हुआ, लेखक का कहना है कि जो भारतवर्ष सत्य के लिए जाना जाता है जिसमें महात्मा गांधी एवं अनेक सत्य के पुजारी जन्मे, उसी भारतवर्ष में आज असत्य और झूठ चारों ओर फैल गया है और बहुत सामान्य से लगता है, झूठ भी सामान्य लगता है। पिछले सप्ताह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में पूरी दुनिया में भारत भी एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा झूठी खबरें प्रकाशित होती है, अखबार वाला खुद लिख रहा है। इन झूठी खबरों को रोकने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है, किंतु भारत का सत्तारूढ़ दल खुद ही जाने अनजाने में इसमें योगदान देता है। हाल ही में सत्तारूढ़ दल ने दावा किया था कि मसूद अजहर को यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को सुपर्द किया था, जबकि वास्तविक में ये कार्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। इसी प्रकार सत्तारूढ़ दल ने प्रचार किया कि 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था उस समय नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, जबकि वास्तव में उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे।
हाल ही में अरुण जेटली ने आरोप लगाया इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर नेहरू ने राजनीति में वंशवाद की स्थापना की थी। इसके विपरीत नेहरू ने अपने निधन से पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस यह तय करेगी उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उनके बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था। लेखिका का कहना है केवल इतिहास की अज्ञानता के कारण ही गलत सूचनाएं नहीं दी जा रही है। लेखक कह रहा है कि खाली कोई अज्ञानता नहीं है कि केवल इतिहास की अज्ञानता के कारण ही गलत सूचना नहीं जा रही है बल्कि राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए गलत सूचनाएं परोसी जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको सुनाऊं। इतना ही नहीं, विरोधियों को बदनाम करने के लिए फोटोशॉप से फर्जी तस्वीरें बनाई जा रही है। हाल ही में श्री अशोक गहलोत को पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए तस्वीर में दिखाया गया था। आप सोच सकते हो क्या यार कहा जा रहा बोली। इसी प्रकार राजीव गांधी और श्री राहुल गांधी को 1988 में काबुल में खान अब्दुल गफार खान के फ्यूनरल में दाह संस्कार में दिखाते हुए दावा किया गया था कि दोनों मुस्लिम तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी को दफन कर रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को हिंदुओं को खाते हुए दिखाने की तस्वीरें भी फोटोशॉप से तैयार की जा रही जारी की गई है। ऐसे प्रयासों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2018 में अनेकों बार इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है देश में जहां इंटरनेट को सबसे ज्यादा बार बंद करना पड़ा है। राजस्थान में सत्य को दबाने के लिए या तो आंकड़ों में छेड़छाड़ की जाती है या फिर उन्हें छिपा लिया जाता है। बेरोजगारी की भयावह स्थिति को छिपाने के लिए NSSO ये भारत सरकार की संस्था है कि रिपोर्ट जारी नहीं की गई। ये बहुत बड़ा इश्यू देश में बना हुआ है। विकास दर को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए इसके तय करने की पद्धति को ही बदल दिया गया है ताकि यूपीए की तुलना में वर्तमान सरकार के दौरान विकास दर ज्यादा दिख सके। वर्ष 2015 में ही मोदी सरकार ने भारतीय पुलिस में मुसलमानों की संख्या नहीं बताने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2014 के बाद से राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जेल में बंद लोगों की जाति और धर्म के आंकड़े नहीं बता पा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े जारी नहीं करने के कारण स्वतंत्र सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों का आधार बनाकर सच्चाई सामने लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो स्थिति बताई गई है आप कल्पना कर सकते हो। दो बातें और लिखी है या 5 वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान ये लाइन हमेशा बोला करते थे, देश जानना चाहता है, मोदी जी बोलते थे उस वक्त में। आज 5 वर्षों के बाद ऐसा लगता है देश यदि जानना भी चाहता है उसे कोई जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि जो लोकतांत्रिक संस्था जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है उसके पर आंकड़े नहीं है। रोचक बात यह है कि संसद की एक्चुअल कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास सूचनाएं नहीं है। उम्मीद की जाती है कि लोकसभा चुनाव के बाद इन अभिव्यक्ति की आजादी मिल पाएगी। लेख के अंत में कहा गया है कि वास्तविक और सच्ची सूचनाओं के अभाव में चुनाव प्रचार के दौरान सही डिबेट नहीं हो पा रही है। ऐसी डिबेट होना संभव ही नहीं है क्योंकि गलत सूचनाओं और तथ्यों के माहौल में ऐसी डिबेट नहीं हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हो हम इस देश को किस दिशा में लेना चाहते हैं। इसलिए हमारे सब साथियों ने भी कहा, आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने, पांडे जी ने, पायलट साहब ने, कि देश की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। 25 की 25 सीटें हम लोग टारगेट करके खेल रहे हैं। अधिकांश सीटें जीते अगली बार मोदी सरकार का जो राज है वो बदले, लोग खुले हवा में सांस ले, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, संविधान बच सके, देश बच सके इन लोगों के हाथों से। ये अपील करता हूं, मैं आपको आह्वान करूंगा कि कृपा करके जाने के बाद में मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूं, कभी कभी मैं आता हूं जोधपुर में, आप लोगों से मिलता हूं, मिलूंगा के क्षेत्र में जाऊंगा। पर पूरा चुनाव आपने संभाला, मेरा भी संभाला था। इसी जगह मैंने कहा था आपको, लास्ट में 2 दिन में आया था, पूरा काम आपने किया था, मुझे भारी बहुमत से कामयाब किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा खुद का आना नहीं होगा, पर आप सब लोग मिलकर के वैभव गहलोत को आशीर्वाद दें, उसको कामयाब करें। ये बात करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
बैठे नहीं बैठे, अभी अशोक सचिन पायलट साहब वैभव गहलोत जी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उसके पूर्व हमारे बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई माला पहनाकर इंदा जी भी माला पहनाएंगे और हीराराम जी मेघवाल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।